क्या आपने कभी कुछ घंटे एक ही चीज देखकर बिताया है? क्या आपने कभी बिस्तर पर लंबे समय तक आराम किया है? और क्या आप अकेले में खुद से बातें करते हैं? यदि आपने पूरा दिन कुछ भी काम नहीं किया पर आप पूरा दिन सिर्फ सोच रहे हैं, तो आपके माता पिता को क्या लगता है कि हमारा बेटा आलसी है, पूरा दिन बैठा रहता है ना? वैसे आधिकारिक तौर पर दुनिया को भी यही लगता है कि आप एक आलसी व्यक्ति है। हालांकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहां पर हम खुद को या किसी और को गलत तरीके से पहचानना शुरू करते हैं। आलसी और होनहार लोगों के बीच में एक पतली सी लाइन होती है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आप आलसी और होनहार लोगों के बीच जो लाइन है उस लाइन को आसानी से समझ पाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इंटरेस्टिंग टॉप 10 इन हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आता है खुद से बातें करना। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी हम अपने आप से बात करते हैं तो हम अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए और हमारे विचार को एकत्र करने में सक्षम होते हैं, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है, जो होनहार लोगों की निशानी है। दूसरे नंबर पर है कम दोस्त होना। जब आप ज्यादा सोशलाइज नहीं है और कम से कम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो यह आपके गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके तनाव कम करता है। तीसरा पॉइंट है वास्तव में कार्य करना या काम करना। देखने में सबको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग काम कर रहा है और बहुत सारे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। चौथा पॉइंट है ज्यादा समय लेना। जो लोग किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरा समय लेते हैं, माना जाता है वे लोग मल्टीटास्किंग काम करने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं। यह भी एक होनहार लोगों की निशानी है। पांचवा पॉइंट है बहुत गंदे तरीके से रहना या खुद गंदा बनकर रहना। इसका मतलब यह नहीं कि वे आप आलसी हैं, पर प्रतिभाशाली होने का संकेत देता है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उसके बाद है डूडल करना। कागज के एक टुकड़े पर कुछ काम करना या लाइन खींचने से आपको नए विचार आते हैं या नए विचार लाने में मदद मिलती है। स्कूल में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे अपनी नोटबुक में इस तरह का काम करते रहते हैं जिसका दिमाग औरों की तुलना में ज्यादा काम करता है। सातवां पॉइंट है लापरवाह होने की विशेषता। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तब आप किसी काम को करने में ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन ऐसे रवैये के साथ काम करने से आने वाली शांति सहायक हो सकती है। उसके बाद है दूसरों को काम देना। जब आप दूसरों को काम सौंपते हैं तब आपको एक नेता कहा जाता है, जो एक टीम के रूप में काम करने का काम करता है, और इसके अलावा वो काम जल्दी से किया जाता है, यानी दूसरों पर विश्वास कर से खुद का काम उन्हें दिया जाता है। उसके बाद है पूरी जांच करना, मतलब कि आपकी नजर कहाँ तक जाती है। किसी भी काम को आप एक बार देखकर उन्हें पूरा याद कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ था, और फिर उसी काम को आप बड़ी जल्दी से कर लेते हैं। और आखिर में है जरूरत की नींद लेना। हमें अपने मस्तिष्क को भी आराम देना होगा। एक उचित आराम से हमारी रूटीन गतिविधियों में चतुराई मिलती है, हमारा दिमाग मजबूत बनता है। तो ये थी होनहार लोगों की निशानियां। अब आप बताइए इनमें से कौन सी खूबी आप में है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।